सुन रहे हैं पप्पू यादव कहीं ना कहीं हमेशा अपने कुछ कामों के द्वारा सुर्खियों में बने रहते हैं अभी अभी की जो वीडियो वायरल सामने आ रही है वो पप्पू यादव पूर्णिया जिला के सांसद हैं जो आप लोग जानते ही होंगे जो पप्पू यादव पूर्णिया जिला के अपने संसदीय क्षेत्र में पैसों से भरा भरा हुआ बैग लेकर के पहुंचे हुए हैं जो बाढ़ से पीड़ित लोगों में पप्पू यादव हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं अपने कामों के द्वारा और अभी अभी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बाढ़ पीड़ित इलाके में पहुंचकर अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया के क्षेत्र में पहुंचकर कहीं ना कहीं पैसों से भरे बैग उनके हाथ में है और वो कार के रूप पे चढ़कर पैसे बांटने का काम कर रहे हैं और पूरे पाँच पाँच सौ के नोट के गड्डी जो दिखाई दे रही है वो हाथ में लिए हुए एक एक नोट बांटते जा रहे हैं पप्पू यादव और बता दूं लोगों में ज़्यादातर महिलाएं शामिल हैं और महिलाएं कहीं ना कहीं लाइन से पैसे लेती हुई नज़र आ रही हैं हालांकि अच्छे कामों के लिए पप्पू यादव को हमेशा सुर्खियों में रहा जाता है जो बिहार के पूर्णिया ज़िला में देख बाढ़ से संभावित लोगों के बीच में पप्पू यादव जाकर के पैसे बांट रहे हैं और आपको मैं यह ख़बर बता दूं कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है यह घटना संडे को यानी कि रविवार के दिन की बताई जा रही है जो पप्पू यादव पैसा बांटते हुए नज़र आ रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में जो काला बैग जो आप देख रहे हैं काला बैग में क... पैसे से भरा बैग है और वो बांटते हुए नज़र आ रहे हैं तो आप लोग जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम